रिसेंटली माइनर गैंग रेपिंग के केस में यूपी कोर्ट ने दो लोगों को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया। इस केस में जो कन्विक्ट थे एक ऑटो मैकेनिक और एक टेलर था, जिन्हें 2 नवंबर को डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया गया। हियर फर्दर कोर्ट सेज दैट दिस केस फॉल्स इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी बिकॉज कन्विक्ट ने न केवल उस माइनर के साथ गैंगरेप किया बल्कि उस विक्टिम को मानसिक और शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड बनाने के लिए इंटेंशनली चोट पहुंचाई। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि गैंगरेप करने के बाद उस विक्टिम को इस तरह से चोट पहुंचाई कि उसका फेस डिफॉर्म्ड हो गया, लेफ्ट आई से वह ब्लाइंड हो गई, उसके लेग्स फ्रैक्चर्ड भी हो गए और बाद में उसे कहीं रेलवे लाइन के पास छोड़ दिया गया। हियर कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट कि कन्विक्ट ने जो विक्टिम के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार किया है और इस तरह से उसे डिसफिगर्ड किया है कि अपना चेहरा देखने से भी वह डरेगी, देयर फॉर द कोर्ट ग्रांटेड देम द डेथ पेनल्टी। सिग्निफिकेंटली यहां पर बेंच ने यह भी ऑब्जर्व करा कि यह कितनी अजीब विडंबना है कि हमारे देश में जहां शक्ति के रूप में दुर्गा माता जी को पूजा जाता है, मां लक्ष्मी की पूजा धन के लिए होती है और मां सरस्वती की पूजा शिक्षा के लिए की जाती है, और वहीं फिर हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट कि अगर इन लस्टफुल पर्संस को कड़ी सजा नहीं दी जाती है तो पेरेंट्स यहां पर रोएंगे क्योंकि उन्हें एक बेटी पैदा हुई है, और यहां तक कि अगर पेरेंट्स अपनी डॉटर की समहाउ परवरिश करते भी हैं तो उन पेरेंट्स को हमेशा यह डर रहेगा कि ऐसे लस्टफुल मॉन्स्टर्स उनकी बेटी को अपना शिकार बना सकते हैं। तो यह एक गैंग रेपिंग माइनर का केस था जिसको हमने देखा कि कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डेथ पेनल्टी अवार्ड करी गई उन दो कन्विक्ट्स को। तो इतना ही था हमारी इस वीडियो में, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।